वेलकम स्टूडेंट्स टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। लास्ट क्लास में हमने DBMS की एप्लीकेशंस पढ़ी थी। एप्लीकेशंस में पढ़ा था हमने कि DBMS को यूज कहाँ कहाँ और कैसे कैसे किया जाता है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ DBMS। DBMS के एडवांटेज क्या हैं, लाभ क्या हैं, क्यों DBMS का यूज किया जाता है रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए। तो बेसिकली जो वहां पर वर्ड है एडवांटेज, इसका मतलब यही है कि कम से कम स्थान में ज्यादा से ज्यादा डाटा रिकॉर्ड कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला है इसमें एडवांटेज में मिनिमाइज डाटा रिडंडेंसी। अब हर वर्ड का मैं हमेशा कहता है, वर्ड का एक मीन होता है, वो अपने आप को बखान करता है, अपने आप को बताता है कि मेरा काम क्या है। सबसे पहले मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब होता है कम करना, ठीक है, घटाना, रिड्यूस करना। डाटा जो आप डाल रहे हैं, जो रिकॉर्ड आप दे रहे हैं वो, रिडंडेंसी का मतलब होता है दोहरीकरण, रिपीटेशन। तो यहाँ पे का मतलब है कि DBMS का यूज करके आप जो दोहरीकरण है, रिपीटेशन है, उसको कम कर सकते हैं, रिपीटेशन, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, एग्जांपल में देखो, ठीक है, जैसे मैंने आपको बनाया 101 102 103, ठीक है, ये ए इसका नाम है, जैसे यहाँ पर रोल नंबर हो गया, ठीक है, ये नेम हो गया, ये फीस हो गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए बनाया, अब इसमें मुझे कोई भी चेंज करना है, कोई भी चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट उस रिकॉर्ड पे जाऊंगा और उस रिकॉर्ड में कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आए, ठीक है, तो अब आपका जो रिकॉर्ड है उसको चेंज करना है, वो चेंज करना है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक पासवर्ड लिखी हुई आपकी, ये है बी ए फर्स्ट, ये है बी ए सेकेंड, ये है बी ए थर्ड। अब इनको अपग्रेड करना है, अपग्रेड करना है तो क्या होगा, अब ये फर्स्ट ईयर की जगह क्या हो जाएगा, बी ए सेकेंड ईयर, ठीक है, ये थर्ड ईयर, ये यहाँ से हट जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आसान भी क्या कर सकता हूँ, इस रोल नंबर पे जाऊँ और उसके यहाँ जाके इसको चेंज कर दूँ, ठीक है। ये तो है डाटाबेस की जो रिपीटेशन है उसको बचाता है। और अगर मान लीजिए इसी जगह फाइल सिस्टम होता जो पुराना, तो क्या होता, वहां पर हम क्या करते हैं, एल्गार राइटिंग लिखते, यहाँ भी लिख रहे, उसके बाद जो चेंज करना है हम क्या करते हैं, हम आगे इसके यहाँ करते हैं, क्या होगा, रिपीटेशन हो जाता, यहाँ भी लिखा हुआ है डाटा, यहाँ भी लिखा हुआ है। तब अगर मान लीजिए बाद में हमको जरूरत है तो हम क्या करते हैं, कौन सा डाटा उठाते हैं, ये संख्या ज्यादा आती है, तो मान लीजिए हमको पूरा डाटा चाहिए अपग्रेडेशन वाला, नीचे वाला, और ये स्टार्टिंग वाले को दिखा देता है, तो क्या होता, प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए ही क्या यूज किया हमने, DBMS, जो कि क्या करता है, दोहरीकरण की, रिपीटेशन की प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है, कम कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका डाटा कंसिस्टेंसी। डाटा कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है नियमितता, ठीक है। तो नियमितता कैसे रखता है, नियमितता कैसे है कि जब आपकी रिपीटेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। वो क्या होगा, एक निश्चित जगह पर क्या होगा, उस रिकॉर्ड को आसानी से ढूंढा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है डाटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है एकत्रीकरण, इकट्ठा करना, क्या होता है, एकत्रीकरण, इकट्ठा करना। अब DBMS के द्वारा ये क्या होगा, इसका एडवांटेज क्यों है, क्योंकि मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर का रिकॉर्ड बनाना है, तो फर्स्ट ईयर का रिकॉर्ड में एक जगह बना लूंगा DBMS में, लेकिन फाइल सिस्टम में लिखना होता तो क्या होता था, कि पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, तो क्या होता था इसमें कंसिस्टेंसी या फिर एक एकत्रीकरण वाली जो नियति थी वो नहीं होगी, ठीक है। लेकिन DBMS क्या होता है, पर्टिकुलर अगर मान लीजिए मैं बी ए सेकेंड ईयर रिकॉर्ड बनाऊंगा तो सारे सेकेंड ईयर वाले इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब बार बार कहीं और जगह ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, एक जगह पर आपको बी ए सेकेंड ईयर के सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, वो है आपका इंटीग्रिटी। नेक्स्ट आता है शेयरिंग ऑफ डाटा। DBMS में ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि डाटा को
ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को शेयर किया जा सकता है सेम टाइम पर एक्सेस करने के लिए। ठीक है, मतलब एक ही डाटा एक्सटर्नल लीजिए, सेकेंड ईयर का एक डाटा है। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में कंप्यूटर के भी स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल के भी हैं, ज्योग्राफी के भी हैं, तो अब इस सेम डाटा को सभी लेक्चरर एक साथ एक्सेस कर सकते हैं अलग अलग कंप्यूटर पर बैठ के भी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है इसकी, शेयरिंग ऑफ डाटा। सर्च कैपेबिलिटी, सर्च कैपेबिलिटी का मतलब क्या है कि हम इसमें बहुत ही इक्विप्ड क्या है, रिपीटेशन खत्म हो गया, कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इंटीग्रिटी हो गया। ठीक है, इन सबको मिला तो क्या हो गया, सर्च आसान हो गई। क्यों? रिपीटेशन नहीं है, एक डाटा जो है वो एक रिकॉर्ड, मतलब एक आर्किटेक्चर या डाटाबेस से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड एक जगह पे इकट्ठे हैं हमारे। ठीक है, तो हम बहुत आसानी से किसी भी रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, बीए सेकंड ईयर में जाएंगे, जैसे मेरे को मान लीजिए 103 नंबर का रोल नंबर का डाटा देखना है, डायरेक्ट डाल दूंगा सर्च में 103, तो क्या होगा, आपका जो कर्सर है वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, 103 पर। अब 103 का रिकॉर्ड आप आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सिक्योरिटी इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर सिक्योर रहता है। क्यों सिक्योर रहता है, क्योंकि ये जिसको परमिशन दी गई है वो आसानी से एक्सेस कर सकता है, बाकी इसमें क्या लगा सकते हैं, यूजर पासवर्ड लगा सकते हैं, तो जिसके पास पासवर्ड होगा वो इसको ओपन कर सकता है। ठीक है, सेम इसी सिक्योरिटी पर बेस्ड है प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब क्या है कि आपने जैसे अलग अलग डाटाबेस बना रखे हैं। ठीक है, हमारे जो बी ए सेकेंड ईयर का है इसमें कंप्यूटर का अलग डाटा है, ज्योग्राफी का अलग डाटा है, पॉलिटिकल साइंस का अलग डाटा है, हिंदी का अलग डाटा है, इंग्लिश का अलग डाटा है। ठीक है, अब हर डाटाबेस में जैसे कंप्यूटर का लेक्चर आया तो केवल कंप्यूटर के स्टूडेंट को एक्सेस कर सकता है और दूसरा रिकॉर्ड एक्सेस नहीं कर सकता है। ज्योग्राफी वाला लेक्चर आया है तो ज्योग्राफी का एक्सेस कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। ये प्राइवेसी हो गई, मतलब हर डाटाबेस को अलग अलग यूजर को एक्सेस करने की परमिशन दे सकते हैं आप, ग्रांट कर सकते हैं। तो जिसको परमिशन होगी केवल वही डाटा एक्सेस कर सकता है, बाकी दूसरे जो लेक्चरर हैं या दूसरा या कोई भी यूजर है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये इसकी एक और अलग फैसिलिटी हो गई, एक फीचर हो गया प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब प्राइवेट हो गया उसको, केवल आपने इंक्लूड कर दिया है कि केवल आप ही इस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। और वो करने के लिए हम क्या करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड लगाते हैं या ऑथेंटिकेशन करते हैं, केवल आप ही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। सिंप्लिसिटी, नेक्स्ट है इसका एडवांटेज सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब है कि डाटाबेस को बनाना बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं डाटाबेस के जिसमें बहुत सारे टूल्स आते हैं, बहुत सारे इसमें पहले से ही कंडीशंस आती हैं, जिसके हेल्प से आप उसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। डेटा टाइप पहले से डिस्क्राइब होते हैं, इसमें आप उसको चूज करना होता है। ठीक है, टेबल के फॉर्मेट पहले से रिडिफाइन होते हैं, इनको चूज करना होता है। तो बहुत सिंपल है डाटाबेस बनाना। ठीक है, रो कॉलम में संख्या लिखिए, वो अपने आप इसमें बन जाएगा। ठीक है, फील्ड पहले से होते हैं, जिसमें से किसी भी फील्ड को आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट करके डायरेक्ट डाल सकते हैं, जैसे नेम है, फादर नेम है, ठीक है, या फिर मदर नेम है, रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, इनके फील्ड्स को उसके डेटा टाइप को बहुत आसानी से चूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बैकअप रिकवरी। ईबीएमएस में एक फैसिलिटी जोड़ी गई है बैकअप एंड रिकवरी। ठीक है, जैसे आपने पूरा डाटाबेस बनाया उसके बाद एक ऑप्शन आता है बैकअप एंड रिकवरी, मतलब इसकी एक और कॉपी दूसरे स्थान पर बन जाएगी, जिससे कि अगर मान लीजिए अपॉर्चुनेटली अगर ये वाली डाटाबेस अगर डिलीट हो जाती है, करप्ट हो जाती है या कोई भी गड़बड़ होती है इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, वो जो बैकअप बनाया गया था उसको काम में ले सकते हैं और उस रिकॉर्ड को रिकवर कर सकते हैं। ये एक फैसिलिटी और यूज की गई है डीबीएमएस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है पावरफुल यूजर, मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा यूजर को सेम डाटा सेम टाइम पर एक्सेस करने की परमिशन दी जा सकती है, जिससे कि मल्टीपल यूजर मल्टीपल विंडो पर मल्टीपल वर्क कर सके। ठीक है, तो ये आपके एडवांटेज थे डीबीएमएस के, इसमें क्या क्या हम काम कर सकते हैं, कैसे कैसी फैसिलिटी है हमारे पास, जैसे डेटा रिडंडेंसी, मतलब
वर्गीकरण को बचाता है, कंसिस्टेंसी अनियमितता को बचाता है, इंटीग्रिटी एक जगह पर डाटा को स्टोर करता है, शेयरिंग ऑफ डाटा डाटा को एक से अधिक यूजर को शेयर करता है, सर्चिंग बहुत आसानी से ढूंढ सकता है, सिक्योरिटी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, प्राइवेसी किसी एक लिमिटेड यूजर को दे सकते हैं केवल आप एक्सेस कर सकते हो बाकी नहीं कर सकते हैं, सिंप्लिसिटी आसान होता है, वेल डिफाइंड टेबल फॉर्मेट होते हैं इसमें, बैकअप एंड रिकवरी एक और कॉपी बना सकते हैं इसको जरूरत पड़ने पे आप क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं, पावरफुल यूजर का मतलब जो यूजर होता है वो पावरफुल होता है और एक साथ एक से ज्यादा यूजर में काम कर सकते हैं। तो ये तो हुए आपके एडवांटेज ऑफ टीडीएमएस। अब है टॉपिक डिसएडवांटेज ऑफ टीडीएमएस। जहां एडवांटेज होते हैं लाभ होते हैं वहां पर कुछ हानियां भी होती हैं, ठीक है। हानि क्या है, हानि इसकी पर ज्यादा नहीं है जितनी है हानियां हैं। जैसे कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब है जितना बड़ा डाटाबेस आपको बनाना है उतना बड़ा आपको हार्डवेयर लेना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना बड़ा डाटाबेस है, जितनी बड़ी कंपनियां होती हैं, जितना बड़ा डाटाबेस बनाना होता है उतना ज्यादा आपको हार्डवेयर लेना पड़ता है, कॉस्टली उतना ही ज्यादा सॉफ्टवेयर परचेस करना पड़ता है, इसीलिए डीबीएमएस की जो कॉस्ट है वो हाई हो जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब यही है कि जितना ज्यादा रिकॉर्ड होता चला जाता है ये धीरे 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 करके कॉम्प्लेक्स होता जाता है, ठीक है। छोटा डाटाबेस के लिए ठीक है, अगर मान लीजिए आपने सॉफ्टवेयर तो खरीदा है छोटा, ठीक है, लेकिन आपके पास डाटा ज्यादा है तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। देखिए अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन का मतलब है इसको ये जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं डीबीएमएस में, इसमें हर डाटाबेस को बनाने के बाद या टाइम टाइम पर ये सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आप अपग्रेड नहीं करेंगे जो आपकी फैसिलिटी है वो कम होती चली जाएंगी और जो आपका डाटा है वो लॉस भी हो सकता है। तो डाटा को सेव रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, समय समय पर डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके तीन ही आपके डिसएडवांटेज थे। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने पढ़ा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। आगे के लेक्चर में डीबीएमएस का मॉडल और उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। थैंक यू।